चीन में खाए जाने वाले सबसे खतरनाक भोजन। दोस्तों, अगर कोई भारतीय ये खाना खाएगा तो उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि चीन के लोग ऐसा खतरनाक खाना खाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं इन्हीं वर्स्ट चाइनीज फूड्स के बारे में। नंबर 10, डोंकी बर्गर। एक ओर जहां गधों को कई देशों में ढुलाई संबंधी कामों में इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के लोग इन्हें खाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर ये पूरी तरह सच है, क्योंकि चीन के लोगों के लिए गधा नाश्ते का एक बेहतरीन ऑप्शन है। नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में गधे के मांस से बने डंकी बर्गर मिलते हैं, जिन्हें वहां की एक बड़ी आबादी द्वारा खासा पसंद किया जाता है। और यही कारण है कि आपको ये चीन की स्ट्रीट से लेकर वहां के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में भी देखने को मिल जाएगा। तो यार, अब जब कभी भी चीन जाओ तो खाना जरा देख कर खाना, वरना पता चले ये लोग गधा ही खिला दें। नंबर 9, लाइव बेबी माइस। जब बात चूहे की आती है, तब क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इसे खा भी सकता है? भारत में तो नहीं खा सकता, पर भारत के पड़ोसी चीन के गुआंगडोंग के लोग चूहों के बच्चों को बड़े चाव से खाते हैं, और वो भी उन्हें मारकर नहीं बल्कि जिंदा। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस हैं जिनमें चीनी लोग जिंदा चूहे के बच्चों को सॉसेस में डुबोकर खाए जा रहे हैं। इस डिश को चीन के लोग थ्री स्क्वीक माइस कहते हैं, और इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तीन चीखों के बाद खाया जाता है। मतलब इसे खाते समय चूहों के बच्चों की तीन बार चीखें निकलती है। पहली बार तब जब उन्हें चॉपस्टिक से पकड़ा जाता है, दूसरी तब जब उन्हें सॉस में डुबोया जाता है, और तीसरी तब जब इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। यार, मुझे तो प्रोसेस जानकर ही अजीब सा फील हो रहा है, ना जाने ये चाइनीज लोग इसे खाते कैसे हैं। नंबर 8, शीप पेनिस। अब मैं आपको जिस खाने के बारे में बताने वाला हूँ, वो अपने नाम से ही इतना अजीब है कि हम और आप उसे खाने के बारे में सोच तक नहीं सकते। यूं तो दुनिया भर में खाने पीने के बहुत से अजीब व्यंजन उपलब्ध हैं, मगर चीन में मिलने वाला ये व्यंजन कुछ ज्यादा ही अजीब है, और इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शीप पेनिस चीन के बाजार में मिलने वाला एक ऐसा फूड आइटम है जो कि भेड़ के लिंग को काट कर तैयार किया जाता है, और चीनी बाजार में इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इसको तरह तरह के मसालों और फ्लेवर्स के साथ तैयार किया जाता है, और स्थानीय लोगों की माने तो इसे खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है और शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, इसलिए लोग ताकत की दवाएं खाने के बजाय इन्हें खाना पसंद करते हैं। नंबर 7, स्नेक गॉल ब्लैडर। सांप जहरीले होते हैं, और यही कारण है कि हम आप जैसे लोग उनके करीब तक नहीं जाते। हालांकि चाइनीज लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि सांप का गॉल ब्लैडर खाने से लोग हेल्दी रहते हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी अच्छी हो जाती है। चीन के ज्यादातर हिस्सों में लोग कच्चे स्नेक गॉल ब्लैडर को ही खा जाते हैं। बस खाने के पहले वो इसे शराब से धोते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अल्कोहल इस पर एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि रॉ गॉल ब्लैडर खाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसे पकाकर ही खाया जाना चाहिए। तब भी चाइना के लोग इसे ऐसे ही खाते हैं। गजब लोग हैं यार, मतलब जो समस्या सिर्फ एक चश्मे से सॉल्व हो सकती है, उसके लिए ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नंबर 6, चिकन टेस्टिकल्स। भारत हो या दुनिया का कोई भी दूसरा देश, इनमें चिकन खाने वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और लोग चिकन को बहुत पसंद करते हैं, जिसके चलते KFC जैसी बड़ी बड़ी फूड कंपनीज भी चिकन से बने हुए व्यंजनों को दुनिया भर में सप्लाई करती है। चिकन में लोग या तो उसका लेग पीस खाना पसंद करते हैं, या फिर उन्हें चिकन विंग्स और चिकन ब्रेस्ट खाना पसंद होता है। मगर जब बात चीन की आती है, तो चाइना में चिकन के टेस्टिकल्स को भी खाया जाता है, और वहां के लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं की स्किन को गोरा बनाता है। इसे सब्जी और नूडल्स के साथ फ्राई करके लोगों को परोसा जाता है, जो अपने आप में ही बहुत अजीब तो है, पर तब भी महिलाएं इसे ज्यादा इसलिए खाती हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी ब्यूटी से जो जुड़ा हुआ है, और जो चीज महिलाओं की ब्यूटी को फायदा पहुंचाए उसे तो महिलाएं बेशक खा ही लेती हैं। नंबर 5, बर्ड स्पिट सूप। लार तो लार होती है, पर चाहे वो इंसान के मुंह से निकली हो या फिर चिड़िया की। हालांकि इन दोनों में अंतर यह है कि इंसान की लार कोई खाता नहीं है, और चिड़िया की लार को चीन में बड़े चाव से खाया जाता है। दरअसल चीन में स्विफ्टलेट नाम की एक छोटी सी चिड़िया पे सलाइवा मतलब लार से अपना घोंसला तैयार करती है, जो कि हवा की वजह से बाद में सख्त हो जाता है। दोस्तों, लार से बने इस घोंसले को चीन के लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें चिकन मिलाकर इसका सूप बनाते हैं, जो उनके अनुसार उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। इस घोंसले का टेक्सचर तो जेली जैसा होता है, पर इसमें ज्यादा खास टेस्ट नहीं होता, पर फिर भी चीन के लोग इसे अजीब घोंसले वाली चीज को खाते हैं। नंबर 4, बलूट। जिस तरह समोसा भारत का सबसे प्रसिद्ध फूड है, ठीक उसी तरह बलूट चीन में खाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बलूट एक फर्टिलाइज्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है,
जिसे उसके खोल के साथ उबाला जाता है और खोल के साथ ही खाया जाता है। ये अमूमन बतख का अंडा होता है जो कि लगभग 14 से 21 दिन में खाने योग्य हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार इस अंडे में हड्डी और पंख भी निकल आते हैं और चीनी लोग इन्हें भी खा जाते हैं। और कई स्थानीय लोगों के अनुसार इन हड्डी और पंखों को खाने से इंसान हष्ट पुष्ट बनता है। भाई अंडे तक तो सही था, मगर ये हड्डी और पंख खाना पूरी तरह से पागलपन है। नंबर 3, सी हॉर्स। सी हॉर्स समुद्र में पाए जाने वाला बहुत ही सुंदर और छोटा जीव है, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पसंद किया जाता है। लेकिन जब बात हमारे पड़ोसी चाइना की आती है, तब ये जीव आपको वहां नाश्ते के रूप में सड़कों पर अक्सर मिल जाएगा। दोस्तों, सी हॉर्स बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर सूप और कबाब के साथ ही बनाया जाता है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि ये सी हॉर्सेस जहरीले भी होते हैं और इनमें नुकीले कांटे भी पाए जाते हैं, जो कि आपके दांत और गले में भी फंस सकते हैं। जहरीले होने के बावजूद भी ये चीनी लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि इसे खाने से इंसान जवान बना रहता है। मतलब साफ है कि इसे लड़कियां ज्यादा खाती होंगी, क्योंकि चाहे चीन की लड़कियां हो या दुनिया की किसी भी देश की, बूढ़ा होना किसी को भी नहीं पसंद है। नंबर 2, गटर ऑयल। इन दिनों जंक फूड खाने का तगड़ा चलन आ गया है। हम सब आए दिन जंक फूड यानी कि पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और समोसे खाते रहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जंक फूड बनाने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो उतना ज्यादा खराब नहीं होता जितना कि चीन में होता है। आप मानो या ना मानो, पर ये बात सच है कि चीन के जंक फूड में यूज होने वाला ऑयल ऑर्गेनिक बीजों से नहीं बल्कि गटर के पानी से बनता है। इस गटर के पानी को रेस्टोरेंट और होटलों की नालियों से इकट्ठा किया जाता है और फिर ब्लीच की मदद से इसे साफ किया जाता है और बाजार में बेच दिया जाता है। मतलब चीन का जंक फूड आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हे भगवान, ये चाइनीज लोग वाकई बहुत अजीब हैं। जानवर तक तो ठीक था, पर अब नालियों का पानी भी पीने लगे। नंबर 1, बैट सूप। चमगादड़ का नाम सुनते ही आपको कोरोना वायरस की याद आती होगी, क्योंकि यही दुनिया की इकलौता फ्लाइंग मैमल है जिसने दुनिया में महामारी फैला दी थी। खैर, ये नजरिए से तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ ये देखने में भी काफी खतरनाक लगता है। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होने वाला है कि चीन के लोग इसे खाते हैं। अमूमन इससे बना सूप चाइनीज लोगों द्वारा खासा पसंद किया जाता है और वो इसे पानी या दूध में उबाल कर तैयार करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बैट्स को चाइना और थाईलैंड दोनों के विभिन्न हिस्सों का नेटिव क्विजीन माना जाता है और लोग इसे बड़ा ही चाव से खाते हैं। जबकि ये बात बिल्कुल सच है कि बैट्स अपने साथ बहुत से डिजीज कैरी किए हुए होते हैं और इन्हें खाने से इंसानी शरीर में भी संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है। पर तब भी चीनी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ अपने स्वाद से मतलब है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।